आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट की मांग सोशल मीडिया पर हर दिन बढ़ती जा रही है। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और उससे पहले आमिर ने फैंस को सफाई भी दी है। आमिर ने यहां तक कहा कि उन्हें भारत से प्यार है और दर्शक उनकी फिल्म को बॉयकॉट ना करें। लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिससे पूरी कहानी ही पलट गई है। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आमिर खान को इस हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा विवाद का मास्टरमाइंड बताया है। कंगना का कहना है कि आमिर खान ने जानबूझकर अपनी फिल्म के रिलीज से पहले ये विवाद शुरू किया। कंगना रनौत का कहना है कि आमिर को डर है कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने खुद ये विवाद शुरू करवाया। बुधवार को इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत ने लिखा है, मुझे लगता है कि आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है वो खुद मास्टरमाइंड आमिर खान ने अपना दिमाग लगवा कर शुरू किया है। कंगना ने अपने पोस्ट में भूल भुलैया 2 का नाम लिए बिना आगे लिखा, इस साल अभी तक एक कॉमेडी फिल्म के सीक्वल को छोड़कर कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई सिर्फ साउथ इंडियन फिल्में ही अच्छा कर रही है, फिर वो फिल्म जिनमें लोकल फ्लेवर है। कंगना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, एक हॉलीवुड रीमेक फिल्म वैसा भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन अब वो भारत को असहिष्णु कहेंगे। हिंदी फिल्म मेकर्स को दर्शकों की नब्ज को समझने की जरूरत है, या हिंदू या मुसलमान होने के बारे में नहीं। आमिर खान जी ने हिंदू फोबिक पीके बनाई और भारत को असहिष्णु देश बताया और अपने जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी। कृपया ऐसे धर्म या विचारधारा से जोड़कर बताना बंद करें, ये उनकी खराब एक्टिंग और खराब फिल्मों से अलग बात है। कंगना का ये दावा ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर आमिर खान के पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसमें से एक वीडियो वो भी है जब उन्होंने असहिष्णुता की बहस के बीच यह कहा था कि उनकी पत्नी को इस देश में रहने से डर लगता है। आमिर खान की 2014 में रिलीज फिल्म पीके में एक किरदार ने भगवान शिव के वेशभूषा में दिखने और इसे टॉयलेट में दिखाए जाने पर खूब हंगामा हुआ था। तब पीके को भी हिंदू विरोधी फिल्म बताया गया था। वही बात करें कंगना की तो कंगना की धाकड़ भी डिजास्टर साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।